इसमें क्या होगा कि मैं ऐसी बात नहीं है, मैं भी अच्छी तरह से कर सकता हूँ। ये देखो, ये तार काफ़ी ठीक होना चाहिए ताकि इसको बेलेंगे ना तो वो सही हो जाएगा। अब बाकी सब लोग ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको फ्राई करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ यही पार्ट कर सकता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे और मैं दुआ में भी याद रखूँगी। अभी हम लोग घर पे हैं और मिडनाइट होने वाली, रात की 12 बजने वाली है, बज चुकी है, तो अभी हमको इस समय भूख लग गई है क्या। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज हम लोग अभी पानी पताशे बनाएंगे इंशाल्लाह, तो मैं ही बनाऊंगा पानी पताशे। आपको हम लोग आज रेसिपी देखूँ, रेसिपी बताऊँगा तो मैं अपनी वाइफ से पूछेंगे कैसे बनाते हैं। तो हम लोग आज मैं खुद पानी पताशे बनाएंगे, पानी ऑलरेडी हमने बना लिया है तो इंशाल्लाह कहीं उसकी भी रेसिपी आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग पताशे बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे किचन में और हम लोग पताशे बनाते हैं रात को 12 बजे। तो ये हमारी वाइफ भी साथ में हमें हेल्प करेगी, तो इन्होंने ये सूजी में सिर्फ तेल और थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर आटा गूंदा है गर्म पानी से। और अब ये रोटी बना रहे हैं और फिर उसके बाद में इंशाल्लाह मैंने भी एक ट्राई करके कितनी अच्छी फूली है। एक ही हमने ट्राई किया है जो एकदम अच्छी तरह फूली है, जो पूड़ी है, जो पानी पताशे की पूड़ी होती है वो। तो बस ये सूजी, तेल और मीठा सोडा। चलो अब ये इसको एक बड़ा सा हमें एक बड़ी रोटी बेलनी है, मोटी, देखिए कितनी मोटी है। रोटी तो हमें बेलनी आती नहीं है, अब उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद ये मैं करूंगा ढक्कन से। मैं इस तरीके से मैंने ढक्कन लिया है, इससे मैं कटिंग करूंगी ताकि हमारे छोटे छोटे लोहे तैयार। मैं करूंगा ना, जी हाँ, इस तरह से आप करो इसे। इससे अपन छोटे ये काटेंगे ताकि ये देखो आप, ये सबसे बड़ी बात जो रोटी जो बेली ना वो थोड़ी थिक होनी चाहिए। और ये देखो इसमें क्या होगा कि मैं ऐसी बात नहीं है, मैं भी अच्छी तरह से कर सकता हूँ। ये देखो, ये काफ़ी थिक होनी चाहिए ताकि इसको बेलेंगे ना तो वो सही हो जाएगा। अब बाकी सब लोग ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फ्राई करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ यही पार्ट कर सकता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, एक जो लोई बनाई थी उसके आपने सारे कटिंग कर दिए, तब मैं आपको बताती हूँ। एक लोई को बस इस तरह से हमें एक बार चलाना। अच्छा, एक ही बार चलाना है जी, पक चुका है इस पर। अब इसको ही मैं निकाल के इस तरह से गरम तेल में हम डाल देंगे। सबसे बड़ी बात है पूड़ी फूलनी चाहिए। तो ये जैसे ऊपर आएगा ना, आप थोड़ा सा अच्छी फूलेगी और ये क्रिस्पी भी होती है। फूली और ये क्रिस्पी भी काफी होगी, क्या बात है। सबसे बड़ी बात है कि पूड़ी फूलनी चाहिए। और करके दिखा दें एक बार इसको, कैसे एक बार रोल करना है ये देखिए आप। इस तरह से हम एक बार रोल करेंगे और इस तरह से जल्दी जल्दी हम करते रहेंगे। तो ये देखिए आप, ज़बरदस्त पूड़ी फूल रही है। सारी पूड़ी बनाएंगे फिर उसके बाद हम लोग पानी पता से ट्राई करेंगे। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जब रात को अपन लोग जागते हैं, अब करने के लिए कुछ है नहीं, फ्री हैं, और रात को लेट नींद आती है हमें, तो बस मैंने कहा चलो आज पानी पताशे ट्राई करते हैं, हमारा ब्लॉगिंग भी हो जाएगी। अभी यहाँ पे रात की 12:30 बजने वाली है, पानी हम लोगों ने बना लिया है, बस पूड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग ट्राई करेंगे और मज़े करेंगे। देखिए मेरा, अब मेरे हाथ लग गए हैं तो और भी अच्छे बनने की है इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे हाथ लग चुके हैं इसमें और माशाल्लाह देखिए अब और ज़्यादा इसमें फुलाव आने लग गया है। मेरा हाथ लगने के बाद में ये देखिए आप, क्या बात है। देखिए जब आप जो रोटी जो बेलेंगे उसके बाद जब सारी इसमें से पानी पूरी निकल जाएगी तो उसके बाद ये रोटी का नज़ारा ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पानी पता से बन रहे हैं, बच्चे नीचे खेल रहे हैं और हम लोग यहाँ पे पानी पूरी बना रहे हैं, उसकी ये वापस यूज़ में आ जाएगा। इन्होंने कहा आपको दिखा देते हैं कि भाई पानी पता से निकलने के बाद रोटी कैसी लगती है। ये देखिए आप कितने ज़बरदस्त फूल रहे हैं। सबसे बड़ी बात जब आप पानी पताशे बनाए ना तो फूलना चाहिए, फूलेंगे नहीं तो पानी डालेंगे किस में। तो बस फूलना चाहिए, देखिए आप। तो देखिए हमारा ये जो डब्बा है पूरा माशाल्लाह फुल हो चुका है। हम लोग चलते हैं, इस पर हमारे फ्रिज में पानी बना हुआ है, पानी निकाल लेते हैं। चलिए
चिल्ड चिल्ड पानी एकदम चिल्ड। कहाँ है पहले, किधर है पानी? फ्रिज है और हम लोग पानी इसमें से निकालेंगे, निकालते हैं एक मिनट। तो ये हमारा पानी, देखिए आप पानी की रेसिपी आप बताएंगे इंशाल्लाह। ये हम लोग यहाँ रख देते हैं, चलते हैं पानी पताशा लेने के लिए। चलो 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 वर्ड्स पानी पताशे। ये हमारे पानी पताशा आ गया, मैं प्लेट लेना भूल गया, एक प्लेट लेके आता जिसमें हम लोग डालेंगे और खाएंगे। पता तो हम लोग इसमें डाल देंगे, ये देखिए इतना बना पानी पताशा, इसलिए मेरे लिए अपने लिए डाला मैंने। तो वैसे मैं एक्सपर्ट भी हूँ ऐसी बात नहीं है, मैं सब चीज़ें बना लेता हूँ लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ। कभी कभी मेरा मन होता है तो बना लेते हैं, वरना तो क्योंकि क्या है कोई चीज़ ऐसी होती है जब अगर ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो आप बहुत अच्छी बनाते हो। हाँ माशाल्लाह चाय क्या, मैं बहुत चीज़ बनाता हूँ। सबसे बड़ी बात अगर मैं रोज़ बनाऊँगा तो फिर वो मतलब बहुत सी चीज़ जो अच्छी चीज़ होती है वो किस्तों में मिलती है, मतलब शॉर्ट पैकेजेस में आती है, तो हमेशा कैसे बनाएंगे। ये देखिए हमारी कितनी क्रिस्पी हुई है दादा। जोरदार है, मैं हाथ करके ना इसको। हां सही है, मैं हाथ लगाऊंगा तो अच्छे से रखी होती है ये जल रहा है। हम लोगों ने ये बहुत मुश्किल से बनाया है माशाल्लाह, बहुत मेहनत लगी इसमें पानी पताशे बनाने, बहुत मेहनत लगती है। सबसे बढ़िया अगर हम लोग इसको बना भी लेते हैं तो ये सबसे बड़ी बात फूलने चाहिए। देखिए आप सारे पानी पताशे फूले में हैं, तो इससे पता चलता है कि एकदम परफेक्टली बने। लास्ट में जाके मैंने ये पूरा बनाया था, पूरा काफ़ी गर्म है ये। तो मैं ट्राई करता हूँ उससे पहले। अगर आप लोगों को अगर आपको पता हो कि पानी पूरी कहाँ से आई थी, पहले कहाँ से लेकर, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि पानी पूरी कहाँ से इन्वेंट हुई थी। ये पानी पताशे का पानी में क्या क्या डाला था वैसे? इमली और गुड़ का पानी है। हाँ हाँ मीठा मैंने दोनों मिक्स बनाया, इसके अच्छा, बाद जलजीरा काला नमक। मैं इसकी रेसिपी आपको हाँ बताऊँगी, डिस्क्रिप्शन डाल भी सकते हैं ना रेसिपी तो उसकी। नहीं डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं। अच्छा ये बड़ा पूरा के खा के दिखाओ अभी। क्यों नहीं खाएंगे, सब खाएंगे। इसमें हम लोग बहुत से लोग आलू भी डालते हैं, आलू भी डालते हैं, लेकिन अभी आलू अवेलेबल थे, बहुत टाइम लग जाएगा। लोग बटाटे भी डालते हैं बॉम्बे में, जैसे बॉम्बे में काफ़ी लोग बटाटा इसमें सब कुछ डालते हैं, रगड़ा भी डालते हैं, क्योंकि उसमें बॉम्बे की, इसलिए उसमें आपको पता है कि बॉम्बे में कैसे खाते हैं। लेकिन अपने भी स्टाइल है सब चीज़ें खाने की। एक फिनिश करता हूँ उसके बाद में पूरा खाऊँगा। तो साइज इसको भरने भी पूरा खत्म हो जाएगा यार पानी तो नहीं। मजा आ गया माशाल्लाह। रात को 12:30 बजे मैं पानी पताशे कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है माशाल्लाह। अल्लाह का बहुत एहसान है कि हम लोग बहुत सेफ़ हैं, और आप लोग हमारी वाइफ ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, सिर्फ सपोर्ट किया बनाया था सब मैंने। हम लोग ये पूरा खाते हैं उसके बाद फिर आगे करके आपसे बात करते हैं। तो माशाल्लाह हम लोगों ने पानी पताशे खा लिए हैं, पानी पताशे बहुत ज़बरदस्त बने थे, सबसे बड़ी बात फूले बहुत अच्छे थे, और सबसे बड़ी मैंने बनाए थे। तो अभी हम लोग बस यही है कि हम लोग आप लोग देखो इंशाल्लाह हम लोग ब्लॉग्स बनाते रहेंगे कि हम लोग क्या करें डेली लाइफ में, बिकॉज अभी रेस्टोरेंट्स का तो कुछ हो नहीं रहा है। रेसिपीज़ भी हम लोग लेके आ रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर जब भी खुलेगा तो आप रेसिपीज़ हम लोग लेके आएंगे। बस हम लोग रूम में आ गए हैं, और हम लोग अब यहाँ पर रेस्ट करेंगे। दूसरी बात ये, अब जैसे आप लोगों को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें
आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें और ज़्यादा बाहर ना जाएं, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोगों से कम मिले। और सबसे बड़ी बात, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, बिकॉज अगर पुलिस वाले अपना काम बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं और भी जो सरकारें हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। हकीकत में पुलिस वालों को मैंने देखा है कि 24 घंटे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। किसके लिए? सिर्फ अपन लोगों के लिए, क्योंकि अगर अपन लोग अगर ज़िंदगी है तो सब कुछ है, तो इसलिए वो सब अपना अपना काम करें। लेकिन आप लोग भी अपना आप लोगों का काम ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, हाथ को साफ़ सुथरा रखें और ज़्यादा बाहर ना निकलें। तो बस यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे। और हाँ, दूसरी बात, एक और बात यह है कि आप जो कमेंट बॉक्स पे हमको ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो पानी पताशे कैसा लगा और पानी पताशे कहाँ से आए, क्योंकि हमें पता नहीं पानी पताशे कहाँ, हम लोग सब खा रहे हैं पानी पताशे। बस आप हम सभी हमको ये बताएं कि पानी पताशे आए कहाँ से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और अपना सेहत का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।